बालाघाट में पुलिसकर्मी द्वारा अपनी पत्नी को दहेज प्रताड़ना का देने का मामला सामने आया। पीड़ित पत्नी की शिकायत पर कोतवाली थाना में पदस्थ आरक्षक के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना के मामले में FIR दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। दरअसल आरक्षक नीलेश पाणी के खिलाफ पीड़िता ने दहेज प्रताड़ना व मारपीट को लेकर शिकायत की। विवेचना उपरांत शिकायत सही पाए जाने पर महिला थाना पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई। हालांकि अभी आरक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन महिला थाना पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। कहाँ रहते हैं जी? बालाघाट जी। बताया जब महिला थाने आए आपने FIR दर्ज कराई है, क्यों आए आप? सर हम बहुत परेशान हैं पति के कारण जी। मारना पीटना करते हैं बहुत ज़्यादा और दहेज की मांग करते हैं, यानी कि चैन चाहिए, बुलेट चाहिए, यानी कि सब चीज़ चाहिए गई और बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? ये कोतवाली में आरक्षक। अच्छा, आरक्षक के पति जी। तो कब आपकी शादी हुई है? 10 मई को। सन? 2023 में, मतलब उसी साल शादी हुई है। शादी के बाद से ही परेशान कर रहे हैं आप? जी, शादी के बाद से, शादी के दूसरे दिन से ही। वहाँ ससुराल गई थी, वहाँ भी सा और ननद दोनों ने दहेज के लिए बोलने लगे कि तूने ये नहीं लाई वो नहीं लाई, उस पर भी मारपीट करने लगे। फिर मैं अपने आदमी को बताने गई तो आदमी भी मारपीट करने लगे, यानी कि 8 दिन रही मैं वहाँ, तो 8 दिन बहुत परेशान किए मेरे को। तो अभी आप वहाँ नहीं रहते क्या? जी नहीं। कहाँ रहते हैं भैया? यही मम्मी के घर में रहते हैं। कहाँ है आपका घर? वार्ड नंबर 32 मोती नगर। क्या क्या हुआ था आपके साथ में? सर यानी वो उस 18 तारीख की रात में जब वे ड्यूटी से आए, उस दिन बहुत ज़्यादा मारपीट किए उनने, और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा कई गला दबाना, धमकी देना, अगर तू घर में बता देंगे तो तेरे को जान से मार दूंगा, उधर भी ऐसा ही बोलना, यानी कि सास भी वही बोलना और ननंद भी वही बोलना, दोनों के दोनों, और दहेज के लिए हर दिन परेशान करना। क्या क्या मांगते दहेज में? बुलेट चाहिए, चैन चाहिए, सोफा चाहिए, टीवी चाहिए, ये सब मांग रहे। जैसे आपने आज थाने में शिकायत दर्ज कराई, तो शिकायत हो गई आपकी, FIR दर्ज हो गई? जी सर, हो गई। इसके पहले आप लोग का मामला भी परिवार परामर्श केंद्र में था, तो वहाँ का समझौता हुआ था? सर मेरे को समझौता नहीं करना है, वो आदमी के साथ नहीं रहना है मेरे को। तो क्या चाहते हैं आप अभी? मेरे को न्याय चाहिए। ये बताएं आपको धमकी में क्या क्या देते थे, वो क्या बोलते थे? सर गाली तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते थे।